दर्शकों, कुंभ या अर्ध कुंभ में अखाड़ों का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये अखाड़े हैं क्या, इनकी परंपरा क्या है, शायद कई लोग ये नहीं जानते होंगे। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में आदि शंकर द्वारा चार पीठों, दक्षिण के श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ, पूर्व में ओडिशा जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिम द्वारका में शारदा मठ तथा बद्रिका आश्रम में ज्योति पीठ की स्थापना चिरस्मरणीय है। उसकी रक्षा के निमित्त इन अखाड़ों का गठन किया गया। पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था, साधुओं के जत्थे में पीर और तदवीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। अखाड़ा साधुओं का वह दल है जो शस्त्र विद्या में भी पारंगत रहता है। देश में शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों की मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। इन्हीं में से एक अखाड़ा है श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा, जो निर्मल संप्रदाय से जुड़ा है। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी और इस अखाड़े के संत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं। निर्मल अखाड़ा हरिद्वार के कनखल में स्थित है। सभी कुंभ में इनके द्वारा विधिवत पेशवा स्नान होता है। सबसे पहले श्री महंत संत बाबा मेहताब सिंह जी रहे थे। मौजूदा समय में देखरेख श्री महंत स्वामी ज्ञान देव जी कर रहे हैं, जिनकी देखरेख में कुंभ और अखाड़े का संचालन चल रहा है। हरिद्वार से सारथी के राष्ट्र सेवक पुरुषोत्तम शर्मा ने निर्मल अखाड़े के महान गुरुओं से बात की। आप जानते हैं तीर्थ नगरी हरिद्वार, जहाँ 13 अखाड़े विद्यमान है, हर अखाड़े का अपना अलग महत्व होता है और अखाड़े की अलग महत्वता होती है। आज धर्म समाचार के माध्यम से हम आपको श्री पंचायती निर्मल अखाड़े के बारे में बताएं, किस तरह से अखाड़ा बना, किस तरह से अखाड़े की स्थापना हुई, किस प्रकार संत उस अखाड़े का संचालन करते हैं। तो आज धर्म समाचार में आप देखें निर्मल अखाड़ा, जिसके माध्यम से आपको अखाड़े की संस्कृति के बारे में मालूम होगा। स्वस्ति श्री गुरु नानक विधीयते, वंदे गुरु नानकम, गोप्योऽहं गुरु नानकेन सत्यं श्री नानकाय नमः। नान्यो में श्री गुरु नानक गुरुवरा श्री नानक हम दास गुरु नानक माम नानक श्री गुरु मारे सिक्का जगत बिच नानक निर्मल पंथ चलाया। श्री गुरु नानक देव जी मारे से ये निर्मल परंपरा प्रवाहित हुई, जो दसों गुरुओं के रूप में जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिस समय कोटा साहब की पावन भूमि में आए तो वहाँ से उन्होंने 1686 में निर्मल पंथ, निर्मले संतों को, निर्मले जो पहले से ही गुरुवाणी के ज्ञाता थे, पढ़े लिखे थे, उनको काशी में विद्या अध्ययन के लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन सनातन धर्म परंपरा है, उस प्राचीन सनातन परंपरा का निर्वाहन करने के लिए, उसकी वेद वेदांगों की जानकारी के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी के मन में संकल्प हुआ कि जहाँ पर जो है वे चारों वेदों और जो हमारा भारत का जो साहित्य है वो संस्कृत में है, उस संस्कृत के हमारे निर्मल संप्रदाय के भी संत उसकी ज्ञाता होने चाहिए। उसके लिए उन्होंने कोटा साहब की पावन भूमि से 1686 में संस्कृत पढ़ने के लिए काशी में भेजा। अभी भी निर्मल संस्कृत विद्यालय लाहौर टोला वाराणसी में हमारा जो है विद्यालय चल रहा है। विदेश लेकर के काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा कि हमारा गुरु का सिख जो है, जो भारतीय संस्कृति का मूल वेद है, वेद वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए, उसके लिए सनातन परंपरा में निर्मल संप्रदाय को जोड़ा। Yeah.
महाकुंभ में अखाड़ों का बड़ा महत्व होता है और निर्मल अखाड़ा भी एक 13 अखाड़ों में से प्रमुख है। लोगों की जिज्ञासा ये अखाड़ा है क्या और इसके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे स्थापना हुई, किस तरह से अखाड़ा चलता है। निर्मल पंचायती अखाड़ा निर्मल संप्रदाय का अखाड़ा है, जो संप्रदाय श्री गुरु नानक देव महाराज जी से प्रारंभ हुई और जिस संप्रदाय के महापुरुषों को श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए बनारस में भेजा था और समय पाकर के निर्मल संप्रदाय का महान विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप 1862 ईस्वी में श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा की स्थापना हुई, जिस स्थापना में महान योगदान महाराजा नरेंद्र सिंह पटियालापति और महाराजा जींदपति और महाराजा नाभापति, ये तीन रियासतों के जो राजा महाराजा राजा थे, उन्होंने उनका विशेष योगदान रहा और सभी संप्रदाय के महापुरुषों को साथ में लेकर के निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना पटियाला में 1862 ईस्वी में हुई। और अखाड़े के कई अर्थ हैं। एक अखाड़ा है जहाँ पर पहलवान जो कुश्ती करते हैं और जहाँ पर कुश्ती का कोई मतलब नहीं है, जहाँ तो अखाड़ा किस प्रयोग में किस अर्थ में प्रयोग होता है तो उसी उस स्थान को ही अखाड़ा बोला जाता है, जिस स्थान में साधु संत निवास करते हैं और जो साधु संतों का मुख्य केंद्र होता है उसका नाम अखाड़ा है। और अखाड़ा ये भी है कि जो संत महापुरुष हैं उस स्थान में बैठ करके जो अंतर के शत्रु हैं उनसे जो है युद्ध करते हैं, जो काम क्रोध लोभ अहंकार आदि जो हमारे शत्रु हैं उनको धार्मिक भावनाओं के द्वारा उनको काटते हैं, उनके उनसे ऊपर उठ करके यदि उनमें संकल्प विकल्प फुरते हैं वृत्ति उठती है उस वृत्ति को रोकने के लिए महापुरुष उस परमात्मा का जो है सहारा लेते हैं, इसलिए भी इसका नाम अखाड़ा है। वहाँ पर बाहरी कुश्ती होती है, जहाँ पर अंतरीव जो है कुश्ती होती है, तो इसलिए जहाँ पर संत लोग निवास करते उसका नाम अखाड़ा है। नहीं ये स्वामी जी, आप जो अनुयायी होते हैं हर अखाड़े के इष्ट देव होते हैं, तो आपके अखाड़े के कौन इष्ट देव है? हमारे अखाड़े के इष्ट देव हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और हमारे संप्रदाय के अखाड़े के आचार्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं। हम जब भी शाही निकालते हैं सबसे आगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्वरूप रहता है, उसके पीछे हमारे जो अध्यक्ष जी हैं निर्मल संप्रदाय के प्रमुख उनका होता रहता है, उनकी सवारी रहती है, उसके पीछे संत महंत रहते हैं, मंडलेश्वर रहते हैं। इस प्रकार हमारा जो इष्ट देव है वो श्री सर्वोपरि हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब क्या संदेश देता है लोगों को, जिज्ञासा है थोड़ा सा? गुरु ग्रंथ साहिब जी तो सबको जो है साझीवालता का संदेश देता है और सबके साथ भाईचारा सहचार प्रेम भाव श्रद्धापूर्वक संत महापुरुषों की संगति करनी चाहिए और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, मानस की जात सब एक है पहचान को और एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे का संदेश देते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब। धर्म समाचार में सभी अखाड़ों से जुड़ी जानकारी महाकुंभ 2021 के बारे में पल पल की घटना या समाचार आपको सारथी से हमके माध्यम से मिलता रहेगा। पुरुषोत्तम शर्मा, सारथी चैनल, हरिद्वार।